Hari. Alternating current. Today we discuss the alternating current. You can make your notes also. यदि PDF में ऐसी प्रॉब्लम हो तो, but PDF भी सही है. देखिए, करंट वेरी टू टाइप्स होते हैं. चार्ज कैरियर में हो जैसे. चार्ज कैरियर जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन के कारण करंट पैदा होता है. सेल के अंदर क्या होता है? डीसी करंट. सेल के अंदर डीसी करंट होता है, पर सेल के अंदर जो चार्ज कैरियर होता है होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्या होता है? होल और इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे तो चार्ज कैरियर है, और जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर होते हैं होल एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और सेल. तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम एसी करंट बोलते हैं. एसी जैसे यूनिट का नाम है एसी. देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा जिसमें एक करंट इज सेड टू बी एसी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली चेंज बट डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज. डायरेक्शन क्या होती है? पीरियडिकली. ये आपका एसी करंट है. अब एसी करंट के अंदर वैसे देखा जाए कि एसी करंट के अंदर जैसे ये आपके पास है, ये आपका एक्चुअली ये एसी करंट है. इसमें जो इसका टाइम पीरियड है वो जीरो से टी है. ये आपके पास हाफ साइकिल है, जीरो से टी बाई टू. तो ये आपके पास एसी करंट है. एसी करंट मीन्स एक करंट इज सेड टू बी एसी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड इज कंटीन्यूअसली चेंजेस बट डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज. डायरेक्शन क्या हो? पीरियडिकली. जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज. और इसको आप बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल. जो ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल. यानी करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल है और दिस वन इज नेगेटिव हाफ साइकिल. तो किसी भी एसी करंट में दो साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल. तो एसी करंट क्या होगा? एक एसी करंट इस करंट इज सेट टू एसी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड इज कंटीन्यूअसली चेंज. उसका मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली चेंज होगा बट डायरेक्शन जो चेंज होगा वो पीरियडिकली होगी. डायरेक्शन क्या होगा? पीरियडिकली चेंज. तो एसी करंट, तो यानी कि ये जो यूनिट है आपकी एसी है. तो एसी क्या होगा? एक करंट इज सेट टू बी एसी. करंट इज सेट टू बी एसी. इसी करंट का एसी कब कहेंगे? विच हैव मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंजेस. मैग्नीट्यूड वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंजेस. मैग्नीट्यूड वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंजेस बट डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज. बट डायरेक्शन जो उसकी डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज. डायरेक्शन पीरियडिकली चेंजेस. उसकी जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज होगी. ये आपके पास एसी है. हर बच्चे को याद भी होगा एसी करंट क्या है. एक करंट सेट टू एसी है. मैग्नीट्यूड वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंजेस बट डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज. डायरेक्शन क्या होगा? पीरियडिकली चेंज. वो कौन सा करंट कहलाता है? वो आपके पास एसी करंट है. तो एसी करंट में जैसे यू आर सीन दैट ये आपके पास करंट है. दिस वन इज द करंट. ये वन इज आई है. ये आपके पास एम्पियर हो गया. टाइम का अकॉर्डिंग दिस टी सेकंड यू आर सीन दैट. दिस इज द डायग्राम ऑफ द एसी करंट. तो दिस वन इज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल. दिस वन इज अ नेगेटिव हाफ साइकिल. तो दैट्स व्हाई मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट किसी भी कंप्लीट साइकिल में मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो. इसमें सबसे पहले क्वेश्चन सी ये बनता है कि एसी करंट जब फ्लो करता है तो उसके मीन एंड एवरेज जो वैल्यू होती है एक कंप्लीट साइकिल में जीरो होती है. कंप्लीट साइकिल में जीरो. तो मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट और ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो. कंप्लीट साइकिल का मतलब होगा जीरो से टी. उसको जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? जीरो से टी. और जो हाफ साइकिल है उसको क्या होगा? जीरो से टी बाई टू. तो ये आपके पास हो गया अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम एसी करंट कहते हैं. एक करंट इज सेट टू बी एसी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड वैल्यू कंटीन्यूअसली चेंजेस बट डायरेक्शन जो है वो पीरियडिकली चेंज. और ये आपके पास एसी करंट हो गया. एसी करंट में ये आपके पास एम्पियर है. ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये कौन सा हो गया? नेगेटिव हाफ साइकिल. और पॉजिटिव और नेगेटिव जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उतना ही क्या होता है? नेगेटिव हाफ साइकिल. और इसमें हम ये कह सकते हैं इसकी जो है मीन एवरेज जो वैल्यू है वो जीरो है. ये तो हम डायग्राम से बता रहे हैं मीन एवरेज वैल्यू जीरो है. बट ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इन्हें एसी सर्किट किसी भी एसी करंट में प्रूव दैट मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो. तो हाउ वी कैन प्रूव इट?
कि मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। अब इस कंप्लीट साइकिल में जीरो के लिए हमने प्रूव करना है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे वो आप ध्यान से सुनिए कि मीन एंड एवरेज वैल्यू को आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको सुनिए, आप किसी भी चीज की मीन एंड एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? आज सुनिए ध्यान से। इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एसी में तीन इक्वेशन हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एसी। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एसी। एसी के अंदर तीन इक्वेशन है वो सबसे ज्यादा यूज करेंगे। एक इक्वेशन मैं प्रूव कर चुका हूँ, E is equal to E naught sin omega t। एसी जनरेटर के अंदर हमने ये इक्वेशन प्रूव की थी, ध्यान है। इसमें वीआर ई जो रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस, ई रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन एसी ईएमएफ। ये एसी ईएमएफ की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ। और ई नोट जो है, ई नोट को हम कहेंगे मैक्सिमम, ई नोट होगा मैक्सिमम ऑब्लिक पीक वैल्यू, मैक्सिमम ऑब्लिक पीक वैल्यू ऑफ एसी। ये मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी ईएमएफ है। ई नोट का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ होगा। और यहाँ पे ओमेगा जो है, ओमेगा आपके पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको ओमेगा बोल सकते हैं 2 पाई न्यू, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या ये दिस द फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द एसी, ई इज इक्वल टू ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट, और ये आपके पास साइन ओमेगा टी। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई आपके पास है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ। ई नॉट इज व्हाट? ई नॉट है आपके पास मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ एसी। इसको मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ क्या कहेंगे? एसी कहेंगे, ओके। और ओमेगा आपके पास क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी? अब यहाँ पर ये तो है एसी ईएमएफ के लिए। अब सेम एज यू कैन एक्सप्लेन, बेटा बात सुनिए, इसी इक्वेशन को यदि मैं आर से डिवाइड कर दूं, बोथ साइड आर से डिवाइड कर दिया, तो ये बाई आर, ये आपके पास करंट बन गया, ये आपके पास आई नो, और यहाँ पे दिस इक्वेशन इज आई नो साइन ओमेगा टी। हाउ वी कैन राइट नाउ हियर? यू कैन से आई इज व्हाट? I is the instantaneous value of AC current. I is the instantaneous value of AC. It is the same as E is the instantaneous value of AC EMF. Now here I stand for instantaneous. We have to pass an instantaneous value of AC. We have to pass AC current. Okay, instantaneous value of AC current. Or I do not stand for. Now I do not stand for. अब I नोट को आप क्या कह रहे हैं? हाँ, इसको आप कह रहे हैं पीक वैल्यू। किसकी है ये? I नोट है पीक वैल्यू, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी करंट, मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट हो गया, ओके। ये आपके पास I नोट हो गया, और ओमेगा आपके पास हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे सेम एज ये आपके पास जो मैं बात कर रहा था, ये है एसी ईएमएफ और एसी करंट की बात कर रहे थे। अब आप सेम एज जब वोल्टेज की बात करेंगे, तो वोल्टेज क्या हुआ? अब यहाँ पे वोल्टेज, ये करंट था, वोल्टेज के लिए क्या मिलेगा? अब जैसे वी वी बोलू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो नाउ हियर यहाँ पे जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वी। यहाँ पे V जो है ये आपके पास है इंस्टेंटेनियस, क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन एसी वोल्टेज, इसको एसी वोल्टेज कहेंगे। और V नॉट को, यस प्लीज, V नॉट, V नॉट को, या V नॉट इज द पीक वैल्यू ऑब्लिक मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑब्लिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज की मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज है। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज है, दिस वन इज द पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, कि मैक्सिमम वोल्टेज की आपके पास पीक वैल्यू है। ओमेगा, ओमेगा हियर स्टैंड फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू
2 pi mu, we can write. So there are three standard equations for the SI. First is SEMM, very simple, instantaneous value of SEMM. You know, this is the maximum peak value of SEMM. And when we divide the resistance in both sides, that is what I. I is what instantaneous value of the current, and I dot is the maximum peak value of current, or omega is the inverse. It's okay, same as voltage. And in AC chapter, जो हम chapter start कर रहे हैं या हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें इन तीनों equation का सबसे ज्यादा role play करेगी, एक integrations और एक ये equations. अब सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई mean and average value जो पहले आता है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगा कि प्लस वन में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटीग्रेशन से पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और वेव लेंथ ऑफ चलेशन में मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो से कंप्लीट साइकिल काइनेटिक एनर्जी के ई डीटी और जीरो से टी टीचर जरूर पढ़ा होगा मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी की मीन वैल्यू तो पोटेंशियल एनर्जी है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा डीटी जीरो से टी और जीरो से टी डीटी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मीन वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और जैसे आपने करंट करंट की मीन वैल्यू निकाली आप आंसर एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ करंट एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू तो करंट की मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे जीरो से टी करंट है तो आई डीटी जीरो से टी कंप्लीट साइकिल के जीरो से टी आप आंसर पावर की मीन वैल्यू तो पावर जीरो से टी पी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जीरो से टी और ये dt सॉरी अब मैं एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि आपसे एवरेज स्पीड निकाला हो तो एवरेज स्पीड आप एक होगे सर टोटल डिस्टेंस बाय द बॉडी टू टोटल टाइम टेकन और मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई एवरेज करंट निकालो तो आप होगे सर टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम यू कैन डू आप कहेंगे सर टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम एवरेज तो टोटल चार्ज को कैसे निकालेंगे आई इनटू dq बाय dt होता है तो dq क्या होता है आई dt इंटीग्रेशन बोथ साइड dq का इंटीग्रेशन u यहां i dt तो बेटा टोटल चार्ज कंप्लीट साइकिल है 0 से t और ये i dt और ये t है स्मॉल स्मॉल टाइम dt तो इसको ले सकते हैं dt dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t इट्स ओके क्योंकि वैल्यू i dt हो गया कंप्लीट साइकिल है 0 से t हाफ साइकिल है 0 से t / 2 0 से भाई यदि कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल रहे हो तो लिमिट क्या लगोगे 0 से t और हाफ साइकिल के लिए 0 से t / 2 तो यानी कि ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी आज आपको मीन वैल्यू निकालने का इंटीग्रेशन से मीन वैल्यू 0 से t i dt की लिमिट होता है 0 से t और dt यदि करंट है तो यहां करंट रख देंगे वोल्टेज है तो वोल्टेज पावर फोर्स है तो फोर्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मीन वैल्यू इंटीग्रेशन से ऐसे निकलती है इज इट्स राइट यस और नो This is the general formula for calculating the mean value of a given physical quantity. आप obviously force की mean value, तो यहाँ force आ जाएगा यार f dt और zero से t, वो कितने ये time interval है, कितने समय के लिए body के लिए force निकालना है, वो given होगा, भाई उस body पे 5 second के लिए force निकालना है, तो zero से क्या बन जाएगी? 5. अरे ये right answer हो? Need to repeat? Yes sir. तुम्हारे हाँ तो मीन वैल्यू सुनिए ये आपके पास प्लस वन में थी मीन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आप प्लस वन में आपके जो जिसने भी प्लस वन पढ़ाई है उस टीचर ने ये जरूर बताया होगा ऑक्सीडेशन में कि मीन एंड एवरेज वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल है तो क्या आ जाएगी पोटेंशियल जैसे यहाँ करंट है तो करंट आ जाएगा वोल्टेज है तो वोल्टेज अब मैंने आपको बता दिया जैसे कि भाई करंट जो होता है मीन वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम टोटल चार्ज कैसे निकला आई डी क्यू बाय डीटी डी क्यू क्या होता है आई डी टी इंटीग्रेशन डी क्यू का क्यू आई डी टी 0 से टी आई डी टी एवरेज वैल्यू कैसे निकाली 0 से टी आई डी टी और डीटी को क्या इस टी को क्या ले सकते हैं टी टी अरे टी का डीटी को टी का इसे डीटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा लिमिट तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि भाई वो एवरेज वैल्यू किस टाइम पीरियड के लिए लिमिट हुआ है फिर लो ना लो तो लिमिट 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 हटा दो लिमिट से कंक्लूड हो जाओ
ये जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन क्या था, मतलब ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अभी कोई डाउट? और यदि कोई टाइम इंटरवल आता है तो लिमिट रख दो, और लिमिट कब रखते हैं, जब तक इतने एरिया का इतने डिस्टेंस का इतने उसके टाइम इंटरवल को चीज निकालने तो वो लिमिट रखते हैं, इज इट राइट। अब आपके पास जब पहला आर्टिकल आता है वो ये आता है मीन एंड एवरेज वैल्यू, मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, मीन एंड एवरेज वैल्यू, मीन एंड एवरेज एक ही बात है, या एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू ऑफ लिखो, मीन एंड एवरेज एक ही बात है, एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी करंट, मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो, मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो, मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या समझते हो? कंप्लीट साइकिल मींस बेटा जीरो से टी, ये कंप्लीट साइकिल होता है, ये मान लीजिए करंट, ये एम्पियर, टी सेकंड। तो मीन एंड एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई एवरेज जीरो से टी कंप्लीट साइकिल आई डीटी, जीरो से टी और ये डीटी। नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ आई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, यू फॉरगेट एंड आई हैव नॉट डिस्कस एलडी बिफोर 2 मिनट्स, आई इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस द वैल्यू ऑफ करंट। तो नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ करंट, यहां पे 0 से टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डीटी, 0 से टी डीटी। नाउ हियर आई नॉट इज कॉमन, 0 से टी साइन ओमेगा टी डीटी। नाउ डीटी का इंटीग्रेशन, दिस डीटी का इंटीग्रेशन टी टी स्मॉल टी, रन आपको इंटीग्रेशन कब आता है, डीटी का इंटीग्रेशन टी क्या मतलब, इलेवन को बढ़ा दी, इलेवन में इंटीग्रेशन नहीं बढ़ा गया, फिर बोलना चाहिए जनरल फॉर्मूला होता है dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन नहीं है तो फिजिक्स नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब मैंने प्लस में डेढ़ महीना पढ़ाया था, एक महीना इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, ये फॉर्मूले होते हैं, और t x dx का जनरल फॉर्मूला x x dx, x dx x की पावर n, x x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पे सबसे पहले dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 t, यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू है, क्योंकि जिसको इंटीग्रेशन नहीं आएगा ये लिमिट नहीं आएगी, पहले सुन लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब सीधा यूज करूंगा t माइनस 0, t माइनस 0 क्या होगा t, t माइनस 0 t, तो ये t, अब इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी डी टी, यस साइन ओमेगा टी डी टी। अब इंटीग्रेशन करना है, चलो मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूंगा इंटीग्रेशन, क्योंकि आप इंटीग्रेशन ही होना है, और जिस बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आता हो वो इस फॉर्मूले को प्लीज नोट करें, ये जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी वाई ओमेगा, साइन का कोस होता है माइनस, साइन का डिफरेंशिएशन तो प्लस कोस होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस, और जो भी वेरिएबल के साथ जैसे टी डी टी है वेरिएबल टी है, डी टी मींस टी वेरिएबल है, जो डी के साथ होता है या डी के साथ टी फंक्शन है तो टी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड आता है, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन में तो डिवाइड और डिफरेंशिएशन में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यार टी के साथ वेरिएबल क्या है ना, टी वेरिएबल के साथ क्या है मल्टीप्लाई है ओमेगा, ओमेगा डिवाइड आ जाएगा, यदि यहां पे ये होता साइन 100 टी डी टी इंटीग्रेशन
माइनस कोस एंगल पी लिखते डिवाइडेड बाय एंगल पी के साथ जो भी होता है वेरिएबल के साथ जो भी आएगा वो डिवाइड आएगा। ये टीचर की या किसी की गलती है ये तीर से थोड़ा सा अच्छे से नहीं बताया मतलब पूरा कोस में किस पर इंटीग्रेशन तो ये आपके पास है हाँ तो ये आप मैंने बता दिया आपका फॉर्मूला याद रखो मैं डेट मैंने कहा था वो तो इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए मैं छोटे से नहीं दिखा था आप सीधा फॉर्मूला याद करो साइन ओमेगा टी डीटी का इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा टीचर ने तो पढ़ाया होगा मैथ में चल रहा है फिर माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा ये आपके पास इंटीग्रेशन है। तो एवरेज वैल्यू क्या है अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू अब यहाँ आई नॉट बाई टी जीरो से टी और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को आना चाहिए और साइन ओमेगा टी डीटी का इंटीग्रेशन क्या बना माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा जीरो से टी यहाँ पे माइनस आई नॉट बाई टी ओमेगा ओवर कोस ऑफ ओमेगा टी जीरो से टी माइनस आई नॉट बाई टी ओमेगा माइनस आई बाई टी ओमेगा नाउ हियर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखिए ओमेगा ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी टी इज द टाइम पीरियड जो कंप्लीट टाइम पीरियड है वो टी है करंट का जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव तो टोटल टाइम पीरियड क्या है टी ओमेगा होगा 2 पाई बाय टी आप और ये सब कैसे है अरे ओमेगा 2 पाई न्यू मैन बताया था न्यूनतम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ऑफ टाइम तो यहां पे बोल क्या इंटीग्रेशन आएगा अब अपर लिमिट cos ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय t अब यहां वेरिएबल t है अपर लिमिट t पुट कर दो यहां t रिप्लेसमेंट t माइनस लोअर लिमिट जब यहां 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो गया माइनस i नॉट बाय t ओमेगा cos 2 पाई बाय t इंटीग्रेट t से t कैंसिल cos ऑफ 0 और ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है cos 2 पाई की वैल्यू प्लस 1 होती है और यदि भूल भी गए हो तो आज मैं एक चीज बता देता हूं cos n पाई प्लस माइनस 1 होता है यदि आपके पास n इवन इंटीजर है इफ n n इज इवन इंटीजर यदि f इवन इंटीजर है तो cos n पाई की वैल्यू प्लस 1 होगी तो cos 2 पाई इवन है और है इवन है तो प्लस 1 हो गया और सेकंड इफ n आपके पास ओड इंटीजर है इफ n इज अ ओड इंटीजर तो cos n पाई दैट इज टू माइनस 1 यदि cos n पाई प्लस 1 है इफ n इज इवन इंटीजर cos n पाई प्लस माइनस 1 का होगी जो cos n माइनस 1 और इफ n इज ओड इंटीजर cos n पाई इज टू माइनस 1 समझ में आ गया इवन इंटीजर का मींस 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई cos की सभी वैल्यू के लिए और ओड इंटीजर मींस पाई 3 पाई 5 पाई और 7 पाई ओके तो यहां पे cos 2 पाई ये इवन इंटीजर है या ओड इंटीजर इवन इंटीजर है यहां पे माइनस i नॉट बाय t ओमेगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 एंड यू हैव 2 ना मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और कंप्लीट साइकिल इज 0 वैसे भी देखा जाए तो मैंने आज आप भी आपको बताया था बेटा एसी में एक कंप्लीट साइकिल में 0 से टी ये आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है ये जितना पॉजिटिव उतना ही आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तो दैट्स व्हाई मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और कंप्लीट साइकिल इज 0 जैसे आप मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट और एक कंप्लीट साइकिल में यदि जीरो आपको आता है और एजा में आ गया वोल्टेज तो वोल्टेज भी यू कैन इजीली प्रूव अब वोल्टेज के हाउ यू कैन प्रूव द वोल्टेज हाउ यू कैन प्रूव द वोल्टेज अब वोल्टेज के लिए मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज वोल्टेज को आप कैसे प्रूव करेंगे मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज सिमिलरली यस प्लीज मीन एंड एवरेज एवरेज वैल्यू मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज आप एसी वोल्टेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल ओवर ए कंप्लीट साइकिल मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ओवर ए कंप्लीट साइकिल तो वोल्टेज के लिए सेम नाउ हियर वी एवरेज वैल्यू 0 से टी नाउ हियर फॉर द वैल्यू ऑफ वी
v v dt or 0 set t or a dt. So now v is what? Standard equations. You can do yourself also. V not sin omega t or a dt. A 0 set t or a 0 set t or a dt. A v not dt kind of equations. Small t, upper limit minus lower t, 0 set t or a over sin omega t dt. And यहाँ पे v not by t 0 से t ये होगा minus cos omega t by omega 0 से t minus v not by t omega upper limit minus lower limit क्या बनेगा cos omega 2 pi by t upper limit t lower limit cos of 0 तो minus v not by t omega cos 2 pi minus वही चीज है cos 0 minus v naught by t omega 1 minus 1 0. Find the notation. Mean and average value of AC voltage for a complete cycle. Current and voltage both are 0. Both are 0. Non-zero. बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है. Any doubt? अब आता हाफ साइकिल. व्हाट डू मीन बाय हाफ साइकिल? अब जो हाफ साइकिल है उसमें सुनिए मीन एंड एवरेज वैल्यू. एसी करंट मीन एंड एवरेज वैल्यू एसी करंट ओवर ए हाफ साइकिल. ओवर ए हाफ साइकिल हाफ साइकिल में मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और ए हाफ साइकिल. तो हाफ साइकिल में आप कैसे करेंगे? टी बाय टू करते हैं. ये 0 से टी बाय टू. ये आई करंट, ये एम्पियर, ये टाइम. अब हाफ साइकिल के लिए पॉइंट नोटेड मीन एंड एवरेज वैल्यू. यहां से मीन एंड एवरेज वैल्यू 0 से t i dt. ये 0 से what? t by 2 हाफ साइकिल है. 0 से t by 2 dt i 0 से t by 2 i dot sin omega t dt. ओके. और यहां पे 0 से हाफ अगर t by 2 dt कॉमन इज व्हाट? नाउ I know 0 से t by 2 sin omega t dt. dt का इंटीग्रेशन t 0 से t by 2. यहाँ पे 2 t by 2 माने 0 t by 2. यहाँ 2 t यहाँ पे बन गया 2 यहाँ पे बन गया 2 I know 2 I know by t. क्योंकि t by 2 माने 0 t by 2 2 पर चला जाएगा. यहाँ पे 0 से t by 2 sin omega t dt. Mean and average value. Mean and average value. I 0 2 I 0 by t sin omega t dt ka minus cos omega t by omega 0 se t by 2. This one is minus 2 I 0 by t omega upper limit minus lower limit. cos omega की वैल्यू होते हैं 2 pi by t. दिस वन इज आपका करिए t by 2 minus lower limit cos of 0 and then we solve this. कैसे solve करेंगे? minus 2 I not by t omega t से t cancel हो गया. यहाँ पे cos pi minus cos 0. cos pi की वैल्यू है cos pi माइनस वन. अभी बताया था और इंटीजर पे आ गया. तो यहाँ पर क्या बना? माइनस टू आई नोट बाई टू मेगा माइनस वन माइनस वन. यहाँ पे बिल्कुल सही बताया माइनस टू फोर फोर आई नोट बाई टी मेगा. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए एवरेज वैल्यू आपकी फोर
for I naught by d omega. Point to be noted, yes please. D omega equal to 2 pi by t, t से t cancel, 2 I naught by pi. ये आपके पास mean and average value. Point to be noted. This is the mean and average value. किसकी mean and average value है? This is the mean and average value of किसकी mean and average value है? AC current और a half cycle. Mean and average value of AC current और a half cycle. अब voltage के लिए भी आपके पास current के लिए किसके लिए है? Current. और यदि voltage आया, यदि आपके पास mean and average value of AC current की बजाय अब आपके पास एसी वोल्टेज आ गया, एसी वोल्टेज सेम है, जिस बच्चे को करंट समझ में आ गया उसको वोल्टेज, तो यहाँ पे आप इस ग्राफ में ये वोल्टेज आ जाएगा वी वोल्ट. अब यहाँ पे मीन एंड एवरेज वाला वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे एनीबॉडी, यहाँ वोल्टेज यहाँ आपके पास वी आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास वी नॉट और यहाँ पे आपके पास सेम वी नॉट. और ये बड़ा अच्छा मेथड है, जिस बच्चे को एक आर्टिकल आएगा दूसरा अपने आप हो जाएगा. ये वी नो आवाज नहीं, ये एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस वन इज एंड दिस वन इज व्हाट एवरेज वी नो और ये आपके पास वी नो. अच्छे से देख लीजिए आप, यहाँ पे वी नो, यस ये वी नो और यहाँ पे मीन एंड एवरेज वैल्यू जो वैल्यू है करंट की बजाय वी के राइट वोल्टेज और दैट इज टू वी नो और ये आपके पास ये V naught और this is also V naught and average value of voltage that is what ये आपके पास होगा mean and average value of AC voltage और a half cycle. तो we have discussed the mean and average value of AC current और half cycle zero, AC voltage और half cycle is zero and AC current, AC voltage भी complete cycle के zero. कंप्लीट साइकिल में मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट जीरो, एसी वोल्टेज जीरो, हाफ साइकिल में यदि हम बात करें जीरो से टी टाइम इंटरवल में तो एसी करंट क्या आया था हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू टू आई नॉट बाई वाई, दिस इज द हाफ साइकिल. और वोल्टेज क्या आया था हाफ साइकिल में टू वी नॉट बाई वाई. इट्स ओके एंड डाउट. Now, one most important problem can be asked in such a way that and tell you if this one is given, yes, this one is given, it's okay, and this one is zero, this one is 314 volt, and this one is minus 134 volt. The question can be asked, this one is voltage, ये आपके पास voltage है, this one is time in second. The question can be asked, what is the voltage, average value of voltage of the shaded portion, what is the value of average voltage of shaded portion, जो shaded portion है उसकी average value क्या होगी? सुनो सिंपल, ये सेडिंग और दिस सेडिंग पोर्शन इंडिकेटिंग हियर हाफ साइकिल, क्या है ये हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ साइकिल वी नो टू वी नो बाय क्या होता है पाई और यहां मैक्सिमम जो पीक वैल्यू है तो मैक्सिमम पीक वैल्यू देखते हुए ये अरे इसी है ना इसकी नेगेटिव. तो अब यार वी नो इज व्हाट माइनस 314 वोल्ट. तो नाउ 2 इसमें माइनस 314 और पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 200 वोल्ट. ओके क्या होगा माइनस 200 वोल्ट. और सुनिए और एग्जामिनर इसको सेटिंग पोर्शन ना बोल के और यदि एग्जामिनर आपके पेपर में ये आ गया कि मीन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ दिस सेटिंग पोर्शन तो ये भी आपके पास हाफ साइकिल है तो यहाँ पे जो पीक वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी क्या आगे. और एग्जामिनर फिजिक्स वाले तो वैसे भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं वो कहेंगे लो भाई पेपर में नहीं सारे जान रहे हैं कंप्लीट साइकिल कंप्लीट जीरो कंप्लीट डे जीरो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इज इट राइट. वी हैव डिस्कस
The mean and average value of the current over. एक बार बता. क्या क्या समझ लिया? नीचे वाला बताएं सर, मुझे उसे बता दे. सर उसे बता दो, आपका ध्यान कहाँ रखता है? नहीं पता. नहीं नहीं ये वही नहीं सकता, इसमें कोई चीज ऐसा था कि ये चीज नोट करती है. ये आपके पास है, मैंने कहा तो माने साइड पोर्शन में बताओ कि आप साइकिल है, आप साइकिल छाया वाली है, आप क्या है बगैर छाया वाली है? नहीं तो मीन एंड एवरेज वैल्यू क्या है? छाया वाली है. ये आपके पास होगा टू बी नोट बाई फाइव, आप साइकिल के लिए प्रूव किया था. ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है प्लस 344 और ये कितना है माइनस 344. ये गिवन होता है पीक वैल्यू है ये वोल्टेज के पीक. तो ये नीचे है तो पीक वैल्यू यहाँ पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? अगला पॉइंट है, ये थोड़ा सा धीरे धीरे एसी में बढ़ते हुए देखो. रूट मीन स्क्वेयर इसको बिल्कुल से आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, ये निकालना है ओवर ए कंप्लीट साइकिल कि रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल. करंट है आई आरएमएस को ये प्रूव करना है आई नॉट बाय रूट टू. How we can prove it? अब इसमें आप प्लीज टेल मी कि यदि मैं आपसे मुंबई आया रहे कैसे बताओ कंप्लीट साइकिल. जब कंप्लीट साइकिल आते आपके माइंड में एक चीज हो जानी चाहिए, जीरो से टी होगा भाई कंप्लीट साइकिल. तो एवरेज जो वैल्यू होगी वो जीरो से टी, यहाँ पे बन गया आई डी टी और जीरो से टी डी टी. ये मीन वैल्यू जो है, ये मीन वैल्यू है क्या ये? और यदि मैं यहां पे स्क्वेयर लगा दूं तो कौन सी वैल्यू बनेगी? मीन स्क्वेयर क्या बनेगी? नहीं बनी. और यदि मैं यहां से मीन स्क्वेयर बनी है स्क्वेयर रूट नहीं बता रहा, मैं मीन स्क्वेयर बता रहा हूं. क्या बता रहा हूं? ये कौन सी वैल्यू है? मीन वैल्यू. ये कौन सी वैल्यू है? मीन स्क्वेयर वैल्यू. हमने चाहिए आई आर एम एस, तो आई आर एम एस क्या बनेगा? आई आर एम एस बन गया जीरो से टी, ये आई स्क्वेयर डी टी और जीरो से टी डी टी और ये बन गई रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू. क्या बन गई? रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू. ये कौन सी वैल्यू है? इससे पहले कौन सी वैल्यू थी? मीन वैल्यू. ये कौन सी है? मीन स्क्वेयर. और ये क्या बन गई? रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू. तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जहां रूट मीन स्क्वेयर, अब आप यू कैन राइट नाउ हियर आई आर एम एस वैल्यू को हमने ऐसे लिख दिया आई स्क्वेयर डी टी जीरो से टी डी टी और जीरो से टी और कंप्लीट रूट. अब इसका तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना स्क्वेयर रूट है, दिस इम्पॉसिबल. बट हम व्हाट विल यू डू नाउ इन दिस सिचुएशन? स्क्वेयरिंग बहुत सारी बाद में हम इसको स्क्वेयरिंग कर दो. आई आर एम एस का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू जीरो से टी आई स्क्वेयर डी टी. नाउ जीरो से टी और ये डी टी आई स्क्वेयर. नाउ आई स्क्वेयर इज व्हाट? नाउ करंट इज स्टैंडर्ड वैल्यू. द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये हम प्रूव कर चुके हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो नाउ हियर पुट द वैल्यू ऑफ यहां 0 से t
I नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और यहाँ पे जीरो से टी और यहाँ पे बन गया ये आपके पास डी टी इट्स ओके। अब इंटीग्रेशन दिस वन इज वन आप आई आर एम में आप इंटीग्रेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा शायद मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा बट बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम होती है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नॉट स्क्वायर इज कॉमन आई नॉट स्क्वायर इज कॉमन और डी टी का इंटीग्रेशन नॉट हियर यल प्लेस सी टी स्मॉल टी अपर लिमिट माइनस लोअर आई कैन राइट दैट टी माइनस जीरो टी दैट इज टी और जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब फॉर्मूला सुनिए ध्यान से साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज टू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है। बताओ कैसे है देखिए कॉस टू ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है कॉस टू ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा टी इज इट्स राइट ओके वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमने क्या लिखना है टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी नहीं हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना तो साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन माइनस इसको वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये तो जनरल फॉर्मूला है सबको याद करना पड़ेगा cos 2 theta is equal to cos 2 sin square theta minus cos square theta और omega t theta ही तो है कोई बच्चा कहता है तू जाना omega क्या होता है theta by t तो theta क्या होगा omega t cos 2 theta जरूर पढ़ा होगा cos square theta minus sin square theta या हम omega t यूज करें theta की जगह तो cos square omega t को 1 minus sin square omega t और यहां पे बन गया sin square omega t minus 1 और ये होगा plus sin square omega t। अब ये क्या है क्या होगा 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू cos 2 ओमेगा टी इज इट राइट सो ये उल्टा बात लगा रहा cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस क्या होता है sin स्क्वायर ओमेगा टी तो यहां पे आपको पास क्या लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी और वन माइनस वन माइनस क्या होगा टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ का कोस टू ओमेगा टी। अब यहाँ पे लगाओगे तो टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन माइनस कोस टू ओमेगा टी और हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा वन माइनस कोस टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ये फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे है कि cos 2 ओमेगा इसके जैसे sin 2x sin 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा और cos 2 थीटा होता है cos square थीटा माने sin square थीटा थीटा कंफ्यूज हुआ तो थीटा ओमेगा टी होता है थीटा क्या होता है अरे ओमेगा थीटा बाय टी तो थीटा ओमेगा टी भैया समझ गए तो यहां पर भैया अब यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे हाउ वेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ Now IRMS plus square is equal to I not square by t 0 से t sin square omega t के we can put the value of 1 minus cos 2 omega t by 2 into my dt. Now here I not square by 2 t comma 0 से t dt 0 से t cos 2 omega t dt. And now do the integrations. How? I not square by 2t upper limit minus lower t here 0 set t minus cos 2 omega t dt ka integrations sin 2 omega t by 2 omega 0 set t this one. अब जैसे sin 2 omega t का इंटीग्रेशन बताया था तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin और साइन का होता है माइनस कोस तो कोस का साइन
जो भी टी के साथ है, टी यहाँ टू ओमेगा है, टू ओमेगा से डिवाइड हो गया, उसमें ओमेगा था टी के साथ, डेल्टा के साथ ओमेगा से डिवाइड, बात पता है? जस्ट प्लीज अब यहाँ पे आई नोट स्क्वायर बाई टू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर, टी माइनस जीरो हो गया माइनस, और यहाँ पे टी माइनस जीरो, यहाँ टी टी माइनस जीरो वन बाई टू ओमेगा, साइन साइन ओमेगा की वैल्यू होते हैं टू पाई बाई टी, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ जीरो। आप सुनिए ध्यान से, यहाँ पर आई नोट स्क्वायर बाई टू टी, यहाँ टी माइनस जीरो टी हो गया, टी माइनस जीरो, यहाँ वन बाई टू ओमेगा, टी से टी साइन फोर पाई माइनस साइन जीरो। आज एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, कभी भी बच्चों को बताओ साइन एन पाई इज जीरो, एन पाई मींस वन पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई, तो साइन यहाँ एन मींस फोर पाई, तो साइन एन एन मींस फोर पाई क्या हो गया जीरो, तो साइन फोर पाई जीरो, साइन जीरो जीरो, भैया समझे, साइन फोर पाई जीरो, साइन जीरो जीरो, ये पूरी क्रम बेटा किसके बराबर आ जाएगी जीरो। नीड टू रिपीट नाउ दिस स्टेप, अब यहां पे क्या बना आप सुनिए ध्यान से, आई आर एम एस, आई आर एम एस का जो स्क्वायर होगा दैट इज व्हाट, क्या बना आई आर एम एस का स्क्वायर, आई स्क्वायर बाय 2, आई नो स्क्वायर बाय 2 टी इनटू बाय टी, और ये तो जीरो हो ही गया, ये सारा तो जीरो है, ये मैंने लिख दिया यहां पे, आप ये लिख रखे हैं साइन फोर पाई जीरो साइन जीरो जीरो, ये तो पता होगा सभी को, साइन एन पाई जीरो वन पाई टू पाई थ्री पाई साइन एन पाई जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे आ गया। अब टी से टी आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आई जो आर एम एस है, आई आर एम एस का स्क्वेयर ये आई नोट बाई टू आ गया, आई नोट स्क्वेयर बाई टू, हमें आई आर एम एस स्क्वेयर वैल्यू चाहिए, आई आर एम एस चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड, तो आई आर एम एस क्या बनेगा, आई नोट बाई टू, जब आई आर एम एस आई नोट बाई टू है तो वी आर एम एस क्या होगा, ये यूज होगा वी नोट बाई टू, वी नोट बाई टू, वी नोट बाई टू। तो वी हैव डिस्कस हियर एसी करंट, व्हाट इज एसी करंट, ओके, और सेकंड इज व्हाट, मीन एंड एवरेज का जो एसी करंट और एक कंप्लीट साइकिल जीरो, मीन एंड एवरेज का जो वोल्टेज कंप्लीट साइकिल जीरो, और हाफ साइकिल इज व्हाट, आई नोट बाई I know 2 I know by 5 yes 2 I know by 5 ये करंट के लिए हमने प्रूव कर दिया एवरेज, आप डेली का डेली पढ़ेंगे आपको सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, मेरा वो है कंफर्म, जो बच्चा डेली की वीडियो देखेगा डेली पढ़ेगा कंफर्म सारे न्यूमेरिकल्स होंगे स्टेप वाइज, ओके, अच्छे से एक बार 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लो, ओके।